अरे करमजली, आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? देख तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मंथरा माई, मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से ना देखूं। चुप रह, न जाने क्या बकबक करती है, बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। क्या मंथरा, तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, तुम्हारी कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ, मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए कर। मुंजली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर, व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है। ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा, सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करमजली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। अरे कुटिल बुद्धि, उफ उफ, अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कुविचार आया कहां से? मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है, और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है। एक बात बता, इस तरह से आग लगाने में तेरा क्या लाभ होगा? मेरा क्या, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं है, पर तू राजा की चहेती रानी बनकर अकड़ रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी, सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा, मेरा तो सर्वनाश हो गया है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस समय तो तू ही सब कुछ है मंथरा, तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं। इस समय तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। रास्ता भी वही बताऊं? और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास दो वर बाकी हैं। वरदान? तुमने कहा था फिर कभी मांग लूंगी, वो दो वरदान मांगने का समय आ गया है, जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम के जगह भरत का राज तिलक। वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर, और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? पिघल गई ना मंथरा, रूठ मत, मैं तो बड़ी नासमझ हूँ, मुझे समझा कर कहना, अवश्य ही इसमें कोई अच्छी बात होगी। ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय। राम ने अयोध्या की प्रजा पर भी अपना जादू डाल रखा है, वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं, बोल? लगेंगे ना। 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा, बस
बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। जय हो महारानी जी की। महाराज जहां भी हो उन्हें मेरा संदेशा दो, महारानी कैकेयी ने इसी क्षण अपने भवन में बुलाया है, जाओ। जो आगे